हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे? आपको YouTube प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप YouTube पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की, और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए GS के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। इकोनॉमिक्स है जैसे CSAT की, आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झासर एकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट? और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झासर एकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जो जिन पेड कोर्सेज को झासर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है, झासर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है प्रॉपर तरीके से, आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट? तो आप इन कोर्सेज को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झासर एकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झासर एकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पर भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट? सो गाइज, झासर एकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो। हाँ जी बेटा, आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं ना सभी लोग? तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपने को स्टार्ट करना है चक्रवृद्धि ब्याज पर। स्टार्ट करने से पहले बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग कपिल जी, अंसारी जी, रूप जी, शंकर पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चक्रवृद्धि ब्याज का भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखो, समझना बेटा मेरी बात। एक शीट ले लेते अपन भाई। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
देख क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज बेटा, जैसे मैं दोनों को साथ साथ कंपेयर करूंगा, एसआई और सीआई दोनों को साथ साथ कंपेयर करते हो, आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं मेरी, है ना? देखो एसआई और सीआई मैं दोनों को एक साथ आपको कंपेयर करके बताता जाऊंगा, ठीक? समझना मेरी बात को। जैसे आपने 100 रुपए उधार लिए एसआई पर भी और सीआई पर भी, 100 रुपए आपने उधार लिए साधारण ब्याज पर भी और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी, आपने 100-100 रुपए उधार ले लिए। माना कि ब्याज की दर भी क्या है, 10% है, 10% अपन क्या मान लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोनों में क्या मान लिया अपन ने, 10% मान लिया, ठीक है जी? यहां तक तो कोई समस्या है नहीं। अब हुआ क्या, अब हुआ ये गुड इवनिंग जी वंदना जी, गुड इवनिंग। तो बेटा मैंने 100 रुपए उधार लिए हैं एसआई पर, 100 रुपए उधार लिए मैंने सीआई पर, ब्याज की दर दोनों में क्या है, 10-10% है, ब्याज की दर दोनों में क्या है अपनी, 10-10% है, ठीक। अब क्या होगा यहां पर देखना, होगा ये कि एक साल बाद जो ब्याज लगेगा एसआई के केस में 10 रुपए, भाई 100 का 10%, और सीआई के केस में भी एक साल बाद जो ब्याज लगेगा वो क्या लगेगा, 10 रुपए, ठीक है? मतलब पहले साल का जो इंटरेस्ट होता है एसआई के केस में और पहले साल का जो इंटरेस्ट होता है बेटा सीआई के केस में, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मेरी बात से सहमत हैं या नहीं बच्चे? एसआई और सीआई की बात करूं तो दोनों में ही जो पहले साल का ब्याज होता है वो क्या होता है, बराबर। अलका जी गुड इवनिंग, बेटा गुड इवनिंग। बढ़ते हैं आगे। अगर मैं पूछूं कि एक साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 110 रुपए हो गया, 100 रुपए मूल था, 10 रुपए ब्याज लग गया, और अमाउंट यहां पर क्या होगा सीआई में, तो यहां भी क्या होगा, 110 रुपए होगा। दोनों में ही अमाउंट भी क्या है, पहले साल का बराबर है। तो मतलब अमाउंट इन केस ऑफ एसआई इज इक्वल टू अमाउंट इन केस ऑफ सीआई। यहां तक ठीक है जी? सभी बच्चे सहमत हैं? एसआई और सीआई में दोनों में ही क्या होती है, चीज बराबर होती है, ठीक है? कि पहले साल का ब्याज भी बराबर होता है बेटा और मिश्रधन भी बराबर। अब देखो अगर मैं कहूं कि दूसरे साल का ब्याज बताओ, तो आप कहोगे सर ऐसा ही तो दूसरे साल का भी क्या लगेगा, 10 ही रुपए, है ना? ऐसा ही तो दूसरे साल का भी 10, पर जो सीआई है दूसरे साल का वो प्रिंसिपल पे नहीं लगेगा। देखो ऐसा ही तो हर साल 100 के ऊपर ही लगेगा 10%, पर सीआई जो लगेगा पिछले साल के अमाउंट पे 110 का 10% क्या लगेगा, 11 रुपए ब्याज लगेगा। बोलो सीआई जो है वो किसके ऊपर लगता है बेटा, सीआई लगता है किसके ऊपर, पिछले साल के मिश्रधन पे। नमस्कार जी प्रीत जी, नमस्कार। तो बेटा दूसरे साल से सीआई की जो वैल्यू है एसआई से क्या हो जाएगी, ज्यादा। मैं यहां पे अमाउंट पूछूं तो आप कहोगे सर 120 हो गया, पर यहां पर जो अमाउंट निकल के आएगा दूसरे साल का, यहां पर जो अमाउंट निकल के आएगा वो 121 रुपए, कि 110 तो था ही, 11 रुपए ब्याज लग गया, कितना हो गया 121, ठीक। यहां अगले साल भी 10 रुपए ब्याज लगेगा, पर यहां अगले साल 12.1 लगेगा, किसके ऊपर, 121 के ऊपर। तो यहां टोटल क्या हो जाएगा, A3 जो हो जाएगा 133.1, यहां कितना होगा A3, यहां तो 130 ही रुपए होगा। यहां हर साल 10-10 रुपए बढ़ेगा, हर साल कितने कितने रुपए, 10-10 रुपए ही बढ़ने वाला है, पर यहां पहले साल बढ़ा 10, अगले साल बढ़ा 11, अगले साल बढ़ा 12.1। यहां जो CI है हर साल का क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज। बोलो क्या मेरी बात आप लोगों को भैया समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों? मैं आपको यह बता दूं कि अंक गणित के सबसे कठिन टॉपिक्स में सीआई आता है, हार्डेस्ट या फिर कहें टफेस्ट टॉपिक्स में क्या आता है बेटा, सीआई आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, है ना? तो यहां तक मैंने क्या क्या समझा दिया आपको, मैंने ये समझा दिया कि जो सीआई होता है, जो सीआई होता है बेटा वो हर साल किस पे लगता है, पिछले साल के अमाउंट के ऊपर लगता है। मैं फिर से अगर बात आपको बताऊं, देखो फिर से मैं एक और वाइट पेज ले लेता हूं,
मैं कह रहा हूं 100 पर ब्याज लगेगा 110 हो गया प्रिंसिपल, 10% मैंने क्या मानी ब्याज की दर, 110, 110 पर लगेगा। देखो यहां तो इसी के ऊपर लगा था 10%, तो 10 रुपए, यहां 110 पे लगेगा तो 11 रुपए बढ़ेंगे, 121, 121 पे लगेगा 10%, तो 12.1 कितना हो जाएगा 133.1, यहां लगेगा 13.31 146.41। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हर साल जो ब्याज लगता है 10%, वो पिछले साल के अमाउंट के ऊपर लगता है। यहाँ प्रिंसिपल पे लगेगा, फिर 110 पे लगेगा, फिर 121 पे, फिर 131, 133 पे। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? हाँ जी भाई जनता, ठीक है ना बेटा? और सुनो, प्रिंसिपल पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, तो जो इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, पी इंटू आर बाय 100। अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, पी कॉमन ले लो, 1 प्लस आर अपॉन 100। एक साल का अमाउंट है ये, 2 साल का निकालोगे तो क्या आएगा, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 हो जाएगा। 3 साल का निकालोगे, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्या हो जाएगा, 3। अमाउंट का फॉर्मूला पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम। ये चक्रवृद्धि ब्याज के केस में मिश्र धन निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है। किसका होता है? मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नोट करो भाई, ये फॉर्मूला नोट कर लेना सभी बच्चे, ये फॉर्मूला बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? नोट किया बेटा सभी ने? कमेंट कर देना। पी है मूलधन, आर है ब्याज की दर, टी है समय, ए है मिश्र धन। अब आप कहोगे सर सीआई कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सीआई, ठीक है ना? जबकि एसआई के केस में फॉर्मूला क्या था, पी इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100, ये एसआई का फॉर्मूला था। यहां सीधा सीधा ब्याज निकल के आता, पर यहां पर क्या निकल के आता है, यहां पर अमाउंट निकल के आता है। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तब जाकर क्या पता पड़ेगा, ब्याज पता पड़ेगा। एसआई के केस में सीधा सीधा एसआई निकल के आ जाता है। यहां अमाउंट चाहिए होता था तो हमें क्या करना पड़ता था, प्रिंसिपल प्लस एसआई करना पड़ता था, पर यहां अमाउंट ही निकल के आएगा, तो यहां अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके सीआई निकालेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, या पूछा जाए तो, ठीक है जी? बढ़े बेटा आगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाँ ये वाला करो भाई। अरे यार ये अभी मत करो, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ ये करो, ये वाला सवाल करो। कोई आंसर किसी बच्चे का? चलो देखो,
करें। देखो भाई, धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, मतलब P1+R/100 15 सालों में क्या हो गई, 2P हो गई। समय 15 और राशि कितनी हो गई, दोगुनी हो गई। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो P से P गया कट, तो मेरे पास बचा 1+R/100 की पावर 15 बराबर क्या आ गया बेटा, डबल, मतलब 2 आ गया। यहां तक तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे सहमत होंगे, कोई राशि 15 साल में, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हो। फॉर्मूला क्या होता है, P1+R/100 की पावर टाइम, ये होता है किसके बराबर भैया, ये होता है अमाउंट के बराबर। तो टाइम 15 दिया, अमाउंट क्या दिया, डबल ऑफ प्रिंसिपल। ये पी से पी कट गया, है ना बेटा? कमेंट करते जाना डाउट आए तो। ठीक, अब हमसे पूछा है कि P1+R/100 कितने समय में क्या हो जाएगा, 8 गुनी, कितना हो जाएगा, 8P हो जाएगा, ये पूछा हुआ है, 8P। तो पी से पी काटो पहले, तो 1+R/100 की पावर टाइम बराबर 8 है, तो 8 को मैं लिख देता हूँ 2 की घात 3। 8 को मैंने क्या लिख दिया बेटा, 2 की घात 3 लिखा, ये 8 बचा था। क्यों मैं 2 की पावर 3 लिख रहा हूँ, पहले मैं फॉर्मूले के लिए जगह बना लेता हूँ। देखो, 1+R/100 की पावर टाइम बराबर, ये जो 2 है ना, 2 की जगह मैं लिखूंगा ये 1+R/100 की पावर 15 की पावर, ये तो 2 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये 2 की वैल्यू है, की पावर 3 भी लगेगा, 2 की घात 3 भी लगेगा। तो मतलब कुल मिला के टी बराबर क्या आ जाएगा, 15 3 45, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। पहला तरीका ये हुआ भाई। नमस्कार जी फ्रूटी जी, भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका बेटा। ये समझ में आएगी नहीं सभी बच्चों को, है ना? पहला तरीका तो ये, पर अपन ऐसे करेंगे नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे करना थोड़ी ना है। पहले तो ये समझ में आना जरूरी है, अगर ये समझ में आ गया हो तो बेटा मैं बताऊं। नहीं आया शंकर जी? देखो शंकर जी, P1+R/100 की पावर टाइम, टाइम 15 साल में वो कितना हो रहा है, 2P हो रहा है, तो पी से पी कटा, तो मतलब 1+R/100 की पावर 15 बराबर क्या हो जाएगा जी, डबल हो जाएगा। ठीक, अब पूछ रहा है कि P1+R/100 की पावर टाइम बराबर 8P हो जाना चाहिए, 8, तो पी से पी काटो पहले। फिर 8 को मैंने लिखा 2 की पावर 3, 2 की जगह मैंने यही वैल्यू रख दी, 2 की जगह मैंने ये वैल्यू रखी, ये जो हमने निकाली है पूरी की पूरी, ये वैल्यू, ये 2 की जगह रख दी, पर पावर क्या थी, पावर 3 भी तो थी, पावर में 3, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, 15 3 45। ठीक, अब बेटा आपको करना क्या है, अब मैं बताता हूँ शॉर्टकट, आपको करना क्या है, हटाएं से। देखो 15 साल में राशि हो रही है दोगुनी, यही लिखा है, द सम ऑफ मनी एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर्स, 15 साल में डबल, तो अगले 15 साल में फिर से क्या हो जाएगा, फिर से डबल और इंटू टू, अगले 15 साल में और क्या हो जाएगा, और डबल हो जाएगा, तो ये तो सीधा सीधा 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 8 गुना। समय कितना लगा, 15 15 15, समय कितना लगा, 45 साल, खत्म हो गई बात। आ रहा समझ में कि नहीं? हाँ जी बेटा, नहीं आया समझ में क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये आपको मैं बेस्ट मेथड बता रहा हूँ। अब आपने अगर लॉगरिदम पढ़ा हो तो मैं इसका फॉर्मूला भी बता दूँ कि टाइम बराबर लॉग ऑफ N2 base N1, पर अब ये लॉग जो होता है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी बच्चों ने लॉग पढ़ा भी नहीं होगा, तो इतना जटिल मैथमेटिक्स अपन देखेंगे भी नहीं कि लॉगरिदम लगाना पड़ जाए, नहीं इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बिना लॉगरिदम के अपन आंसर निकालेंगे, है ना? अगला क्वेश्चन, ये वाला करके बताओ बेटा, मैं इसके भी दो दो तरीके बताऊंगा, इसके भी मैं
करें। चलो देखो बेटा, बात यहां पर बड़ी साधारण सी है कि अमाउंट 2.25 टाइम्स ऑफ सम आफ्टर 2 ईयर्स कंपाउंडेड इंटरेस्ट, अच्छा रेट पूछ रहा है। तो पी जो है 1+R/100 की पावर 2 साल में 2.25 टाइम्स ऑफ पी हो जाता है, 2.25 गुना हो जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। ये कट गया, 1+R/100 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया अक्षता जी, बहुत बढ़िया। 225/100 लिख दूं ना मैं, डेसिमल हटाऊंगा तो 1+R/100 बराबर 15/10, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। 225, 15 का 100 होता है 10 का, तो R/100 बराबर 15/10 -1, ठीक। तो R/100 बराबर 5/10, 0 से 0 काटो, इंप्लाइज दैट R बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 50%। पहला तरीका, बोलो बेटा किसी को डाउट आ रहा है क्या? हाँ जी भाई, विद्यार्थियों पूछिए, समस्या आ रही है तो। ठीक है ना? अब देखो करना क्या है, 2.25 टाइम्स का डेसिमल हटाऊंगा तो 100 रुपए के 225 रुपए बन जाएंगे। 100 के क्या बनेंगे बेटा? 225 रुपए, मैंने डेसिमल हटा दिया, ठीक है ना? तो समय जो है उतने का करनी लगाओ, समय 2 है तो क्या लगा दो? स्क्वायर रूट। समय 3 होता, ये स्क्वायर रूट मतलब यहां कुछ नहीं, 2 है। समय अगर 3 साल होता तो क्या लगाते अपन? तो अपन क्यूब रूट लगाते। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जितना समय उतने का क्या लगा दो आप? करनी लगा दो। स्क्वायर है तो टाइम, 2 है तो स्क्वायर रूट, क्यूब है तो क्यूब रूट। तो बेटा 10 रुपए के 15 रुपए बन रहे हैं, मतलब 10 के ऊपर 5 रुपए ब्याज लग रहा है, परसेंटेज में क्या हो जाएगा? 50%। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ जी भाई जनता, बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना? जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 साल में जो अमाउंट है वो 1.331 गुना हो जाता है, 1.331 गुना हो जाता है, रेट बता दो। तो आप कहोगे सर डेसिमल हटाऊंगा तो 1000 का हो रहा है 1331, 3 अंक के पहले दशमलव है तो 3 0 लग जाएंगे। समय 3 साल है तो क्या करोगे आप? करोगे बेटा क्यूब रूट। तो आप कहोगे सर 10 का हो रहा है 11, 1 रुपए ब्याज लग रहा है 10 पे, परसेंटेज में क्या बन जाएगा? 10% आ गई ब्याज की दर। बोलो भाई आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है ना? चलो बढ़िया, अगला सवाल। कोई आंसर नहीं अभी तक बेटा। 2000 रुपए कितने बन रहे हैं? 2420। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप इनका रेशो बना लो। आप कहोगे सर 100 का हो रहा है 121, ठीक,
100 का क्या हो रहा है, 121। फिर मैं कहूंगा कि 10% का मतलब क्या होता है कि 10 के ऊपर ब्याज लगेगा तो वो 11 रुपये हो जाएंगे, कि पावर टाइम बराबर क्या हो रहा है, 100 रुपये के 121 रुपये बन रहे हैं। हाँ या ना बोलो भाई, 10% ब्याज का मतलब क्या है, 10 पे 1 रुपये का। भाई 10% का फ्रैक्शन तो क्या होता है, 1/10 होता है। बिल्कुल सही, 2 साल एकदम सही अंसारी जी। बेटा 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10 पे लगेगा 1 रुपये का इंटरेस्ट, तो 10 का क्या हो जाएगा, 11। पावर है टाइम बराबर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो, ये रेशो से ही काम हो जाएगा, आपको वैल्यू की जरूरत है ही नहीं है यहाँ पे। तो 11/10 की घात टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टाइम बराबर क्या आ जाएगा बेटा, टाइम बराबर 2 साल, 11/10। बेस सेम है तो पावर भी तो क्या होगी, सेम होगी ना। आप कहो तो अपन फॉर्मूला से कर लेते हैं भाई विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया, 2 एकदम सही है। आप चाहो तो प्योर फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हो बेटा, 2 एकदम सही, एकदम सही। बहुत बढ़िया शंकर पंडित जी, अक्षिता, कपिल अंसारी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सभी बच्चे। चलिए तो अगला सवाल करो भाई। अरे अरे ये मत करना अभी, ये करो, ये मैंने इस टाइप का करवा दिया, वो इंस्टॉलमेंट वाला ना, वो पिछला क्वेश्चन वो मैं आपको करवाऊंगा। ट्वेंटी 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 आ रहा, बहुत बढ़िया भाई। देखो अच्छा, नहीं क्वेश्चन बदल गया क्या? हाँ ये था, क्वेश्चन ही चेंज हो गया बाय मिस्टेक। ये था कि राशि 10 साल में क्या हो जा रही है, डबल। अगले और 10 साल में और हो जाएगी डबल, तो ये तो सीधा सीधा 4 गुना हो गई, 20 साल लगे। करवाया था ना अभी मैंने, जस्ट अभी। ठीक है ना, चलो अगला ये करना जरा, ये बिल्कुल सेम है। 6 वर्षों में 2 गुनी, तो राशि को 8 गुनी होने में समय कितना लगेगा बताओ। बिल्कुल सही अक्षता जी, 6 वर्षों में डबल, 6 साल में और डबल, 6 साल में और डबल, तो 18 साल में क्या हो गई, 8 गुनी हो गई 18 साल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कर पा रहे हैं अब तो, बड़ी तेजी से कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया कपिल जी, अंसारी जी, शंकर जी, अक्षता जी, बढ़े आगे भाई विद्यार्थियों। अगला सवाल बेटा ये रहा, 3 वर्ष में 2400, 4 वर्ष में 2520 हो गई, ब्याज की दर पूछ रहा है, प्रति वर्ष ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, मैंने आज आपको ये बताया था कि जो CI होता है वो पिछले साल के अमाउंट के ऊपर लगता है,
सीआई किस पे लगता है? पिछले साल के अमाउंट के ऊपर, मतलब प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा A1 आएगा, A1 पे ब्याज लगेगा A2 आएगा, A2 पे ब्याज लगेगा तो A3 आएगा, A3 पर ब्याज लगेगा तो A4 आएगा, A4 पर ब्याज लगेगा तो क्या आएगा, A5, मतलब कि ब्याज पिछले साल के अमाउंट के ऊपर लगता है। इसका मतलब कि 3 वर्षों में अगर 2400 हो रहा है, 4 वर्षों में अगर 2520 हो रहा है, इसका मतलब तीसरे साल 120 रुपये ब्याज लग रहा है, 120 ही लग रहा है ना, माइनस करके देख लो। तो किस पे लगेगा 120? पिछले साल के अमाउंट के ऊपर, सॉरी, ब्याज किसके ऊपर लगता है? पिछले साल के अमाउंट के ऊपर लगता है। इसका मतलब है कि जो 120 रुपये ब्याज लगा है ना, 2400 पे लगा है, परसेंटेज में क्या हो जाएगा? 5%, बात खत्म। बहुत बढ़िया शंकर जी, क्योंकि सीआई की खास बात यही है कि पिछले साल के ऊपर लगता है। भाई 2400 पे ब्याज लगेगा 2520, फिर अगले साल 2520 पे लगेगा तो जो भी वैल्यू आएगी उसके अगले साल उस पे लगेगा। तो यहाँ पर जो ब्याज लगता है ना, वो अमाउंट के ऊपर लगता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है जी बच्चों, बढ़े आगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करना भाई जरा, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया सवाल है। देखो मेरी बात को समझना बेटा, आपको मैंने ये बताया था अभी कि जैसे उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर 100 रुपये है, 10% अगर ब्याज की दर है, तो आप कहोगे सर 10% ब्याज लगेगा, 10 रुपये ब्याज लगेगा, 110 हो जाएगा, फिर 121 हो जाएगा, है ना, फिर 133.1। मैंने ये आपको समझाया था 10% के हिसाब से, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। तो आप मेरी बात को ऐसा समझो कि ये 10% का एग्जाम्पल है, ये 10% का एग्जाम्पल है, इसका मतलब 10 के ऊपर 1 रुपये ब्याज लगेगा। 10% का मतलब, बहुत ठंडे दिमाग से समझना जो मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो शायद ही आपको कोई बताए। तो 10 पर 1 रुपये ब्याज लगेगा तो राशि क्या हो जाएगी, 10 की राशि 11 हो जाएगी, 10 की राशि क्या हो जाएगी, 11। इसका मतलब ये है कि हर साल अगर आप 11/10 मल्टीप्लाई करते जाओगे, 11/10 मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो अगले साल की वैल्यू निकल के आती जाएगी। 10% है ना ब्याज, 10% ब्याज का मतलब क्या है, 11/10 है, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उदाहरण से मैं समझाता हूं, 100 × 11/10 क्या हो जाएगा, आप सिंप्लीफाई करोगे तो 110 हो जाएगा। फिर अगर आप 110 में अगर आप 11/10 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ऐसे 11/10 मल्टीप्लाई करते जाओगे, आपका आंसर आता जाएगा। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि जैसे 2 साल बाद प्रिंसिपल है, 2 साल बाद 4500 हो गया, फिर 2 साल बाद क्या हो गया, फिर 2 साल बाद 6750 हो गया। तो मेरे को ये पता करना है कि क्या मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर सीआई में क्या होता है कि एक फिक्स्ड वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है ना, ये 6750 है। तो मतलब अब मैं देखूं कि ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप रेशो बना लो, 4500 का और 6750 का आप रेशो बनाओगे, 0 से 0 काट दिया अपन ने, है ना। फिर आप इसे काटोगे तो बेटा
225 के टेबल से काटोगे तो 2:3 बनेगा, मतलब हर साल 3/2 गुणा हो रहा है। हर साल क्या हो रहा है, 3/2, हर 2 साल में, 2 साल में 3/2 मल्टीप्लाई। पहले आप रेशो बना के देख लो कि 3/2 2 साल में, तो प्रिंसिपल में भी तो 3/2 मल्टीप्लाई हुआ होगा, तब तो वो 4500 हुआ होगा। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बराबर 3000 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। बिल्कुल फ्रूटी जी, मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, आपको ये देखना है, मैं इसको इरेज करता हूँ। आप कुल मिला के देखो कि प्रिंसिपल 4500 हो गया, फिर ये 2 साल बाद, फिर क्या हो रहा है बेटा, और 2 साल बाद 6750 हो रहा है, 6750 हो रहा है। इसका मतलब 4500 अगर 6750 हो रहा है, 6750, इसका मतलब ये 3/2 हो रहा है। काट के देख लो ना, 225 के टेबल से सीधा सीधा 3/2 हो रहा है। तो 2 साल में 3/2 गुणा होता है, तो यहां भी तो 2 साल बाद क्या होगा, 3/2 मल्टीप्लाई होगा। तो प्रिंसिपल में जब 3/2 मल्टीप्लाई होगा तब वो क्या बना, 4500। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा बेटा, 3000। प्रीत जी, बेटा हम तो कॉन्सेप्ट बताने के लिए, बेटा कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ही हैं। अब बिल्कुल चिंता मत करो, जितना मेरे से बेहतर हो पाएगा मैं उतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन करो बेटा। हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट है, हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं। चलो करें, देखो इन व्हाट टाइम 1000 अमाउंट्स टू 1331 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब होता क्या है, जब हाफ ईयरली की बात होती है ना बेटा, तो रेट हो जाता है आधा, और जो टाइम हो जाता है ना वो क्या हो जाता है, डबल। जो रेट होता है ना हाफ ईयरली में वो आधा हो जाता है, और टाइम क्या हो जाता है, डबल। ठीक, ये दो चीजें हैं। तो 20% मतलब जो 1000 रुपए है उसका क्या बन रहा है, देखना मेरी बात को समझना। पहले तो 20% का आधा, मैं पहले पूरा फॉर्मूला से करता हूं कि जो प्रिंसिपल है 1000, 1 + 10/100, r/100 की पावर टाइम बराबर क्या हो गया, 1331। अब आप कहोगे सर 10%, क्योंकि मैंने बताया ना रेट क्या हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा बेटा, आधा हो जाएगा। तो 1000 × 1 + ये 110/100 की घात समय बराबर क्या हो गया, 1331। इसका मतलब 11/10 की पावर टाइम बराबर 1331/1000।
तो यहां से टाइम जो निकल, इसको एक, इसको तो सीधा सीधा 11/10³ लिख सकते हैं ना, तो टाइम बराबर क्या आ रहा है, 3। पर जो टाइम है ना, ये 3 जो है ना वास्तविक समय का डबल हो चुका है, तो वास्तविक समय क्या होगा बेटा, 1.5 होगा, 1.5 साल होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? चलो दोबारा कर लेते हैं। चलो ठीक है, मैं दोबारा, अच्छा ये आ गया समझ में। देखो अब मैं आपको सही तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का। देखो बेटा, 10% का मतलब क्या होता है, 10 का हो जाएगा 11, क्योंकि रेट हाफ हो जाएगा ना, और 1000 का हो रहा है 1331 पावर टाइम। तो सीधा सीधा टाइम बराबर 3 निकल के आएगा, पर मैं ये जानता हूं कि ये वास्तविक समय का डबल है ये, तो समय क्या हो जाएगा बेटा, 1 सही 1/2, 1.5 साल। चलो अगला क्वेश्चन बेटा। निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, साधारण ब्याज कितना होगा? अब यहां पर मैं आपको कुछ बढ़िया फॉर्मूलाज बताऊंगा सीआई के लिए। देखो समझना मेरी बात को, सीआई सिर्फ और सिर्फ 2 साल का आपसे क्या पूछ लिया, सीआई पूछ लिया। अब देखो 2 साल का मैंने आपको ऐसा ही पढ़ा दिया, ऐसा ही तो आप जानते हो कि अगर 3% ब्याज की दर है तो पहले साल भी 3%, दूसरे साल भी 3% ब्याज, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 6%। अगर ऐसा ही की बात है, काय की बात है, अगर साधारण ब्याज की बात है, ठीक है ना। पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 101.5। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का आप डायरेक्ट फॉर्मूला नोट करो बेटा, 2a.a² 2a.a² वेयर ए स्क्वायर इज अ डबल डिजिट नंबर, डबल डिजिट नंबर 2a.a² ये 2 साल का, 2 साल का सीआई, और परसेंटेज में काय में प्रतिशत में अगर आप निकालना है तो 2a.a² लगाओगे। मतलब ए आपको क्या दिया, आपको 3% दिया, रखना जरा वैल्यू यहां पे। तो आप कहोगे सर 2 × 3.3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 6 और ये 9, पर मैंने कहा कि ए डबल डिजिट नंबर है तो आप लगा दो आगे 0, डबल डिजिट बन गया, 6.09% हो गया। ब्याज काय में आएगा, परसेंट में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? ठीक है ना, 2a.a² बेटा आपका काय का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साल के सीआई का। मैं आपको 3 साल का भी लिखवाऊंगा, 4 साल का भी, अब कहो तो 5 साल का, 6 साल का भी लिखवा दूंगा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना। 2 साल का 2a.a² हो जाएगा, ए की जगह अगर आप 3 पुट करते हैं तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 6.09% ब्याज। अब यही 6.09% रुपए में 101.50 है, 101.5 निकल के आ गया, यही ये रुपए में आपको दिया ही हुआ है। तो आप सीधा सीधा क्या निकाल सकते हो बेटा, 1% निकाल सकते हो, 101.5 डिवाइडेड बाय 6.09,
ये अब एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये 16:2/3 आएगा। चलो कोई बात नहीं, देखो 1% अगर आप निकालते हो तो बेटा 101.50/6.09, तो 1% की वैल्यू निकल के आ रही है 101.50/6.09। अब मैं इसे तीन के पहाड़ से काटूं क्या? तीन के पहाड़ से कट रहा है? नहीं, तीन से तो नहीं कट रहा। कितना निकल के आएगा ये? 16/2/3 आना चाहिए ये, है ना? दो सौ तीन के पहाड़े से कटेगा यार, बड़ा गजब है। 101.05/2.03, नहीं यार 203 से क्यों कट रहा है? इसको मैं चेक कर लेता हूँ किस टेबल से। कैलकुलेशन कुछ ऐसा आ गया है, एक नंबर है मेरे पास 10150, दूसरा नंबर अपने पास कितना है 609। हाँ 203 के ही पहाड़े से कट रहा है यार ये सीधा सीधा, 10150/2.03। हाँ वही तो, 203 से ही तो कट रहा है, वही मैं सही बोल रहा था। तीन बार कटेगा और ये 50 बार कटेगा, है ना? ऐसा कुछ, कैलकुलेशन बड़ा जटिल है। अब इसके बाद ये 1% आपके पास क्या निकल के आ गया? 50/3। तो मैंने क्या बोला था कि ऐसा ही क्या होगा? 6%। तो 6% सीधा सीधा निकालोगे तो 50/3 × 6 कितना आ जाएगा? 100 रुपये। हाँ जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो भैया, डाउट आ रहा है तो पूछो। ठीक है, मैं दोबारा समझा दूं। देखो आपको क्या करना है, ये सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है 2a.a² जिससे CI पता पड़ जाएगा 6.09। तो 1% आ गया, 1% 50/3। अब ऐसा ही तो सीधा सीधा 1 साल का 3%, तो 2 साल का 6% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल अंसारी जी, ये सिर्फ 2 साल का है। अगर आपने नोट कर लिया तो मैं 3 साल का भी बता देता हूँ, 4 साल का भी बता देता हूँ, है ना? 4 साल से ऊपर का सवाल शायद ही जाता है, शायद ही, हालांकि 4 साल से ऊपर जाएगा नहीं, है ना? देखो इसी को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको हटा दे दिया, एक स्क्रीन ले लेता हूँ मैं। देखो 2 साल का अगर 2a.a² है, 3 साल का 3a.3a² a³। ए क्यूब ए की पावर 4a² / a, ये है बेटा 4 साल का। और ये हर वैल्यू क्या होती है? डबल डिजिट नंबर होती है, हर वैल्यू डबल डिजिट नंबर होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं 3 साल वाले में एक ही जगह पर अगर मैं 5% ब्याज लगा रहा हूँ, 5% अगर मैं ब्याज लगा रहा हूँ, समझना, तो ये हो जाएगा 3 × 5.3 × 5² और ये 5 का³। यहाँ डॉट सिर्फ डेसिमल एक ही जगह लग रहा है हर एक में, है ना? तो आप कहोगे सर 15.5² 25 = 75 और 5 का³ क्या? 125। मैंने बोला कि हर वैल्यू डबल डिजिट, ये भी डबल डिजिट, ये भी डबल, डेसिमल के बाद हर एक वैल्यू डबल डिजिट। तो आप कहोगे सर ये तो ट्रिपल डिजिट, तो मैं कहूँगा एक कैरी ले लो। तो 15.7625 इतना परसेंट ब्याज हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो तो अगला क्वेश्चन कर दो। अब देखो 3 साल वाला आ गया, अब 5% का अभी अभी अपन ने निकाला है, 5% का अभी अभी अपन ने निकाला भी है और ये 3 साल का आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको अभी निकाल के भी बताया, 3 साल का लगाना बेटा, सेम फॉर्मूला से ही हो जाएगा।
देखो, अब मैंने 3 साल का फॉर्मूला आपको 3a.3a² a³ बताया, और a में क्या बोल रहा हूँ, 5% रखो, 3 × 5, 3 × 5² 5³, तो 15.5, 5 का स्क्वायर 25 दिया 75, 5 का क्यूब 125, तो 1 जाएगा कैरी, नंबर डबल डिजिट होना चाहिए, 15.7625 हो गया, इतना परसेंट जो है 252.2 के बराबर, तो 157625। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो बेटा मैं आसान तरीका भी बता दूंगा आपको, मैं आसान तरीका भी बता देता हूँ एक, है ना, अगर ये आपको कठिन लग रहा है तो एक आसान तरीका भी देख लेंगे। तो 1% जो निकल के आएगा 252.2 डिवाइडेड बाय 157625, ऊपर लगेंगे कितने, 4 जीरो, नीचे लगेगा 1 जीरो, डेसिमल हटा देते हैं अपन, ये डेसिमल अपन हटा देते हैं, ठीक। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा 1% बराबर निकल के आएगा सीधा सीधा 16, कैलकुलेशन काट पीट के सब 16 निकल के आएगा। अब 3 साल का समान समय के लिए साधारण ब्याज, तो 5% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज तो क्या होगा, 15, तो 15% बराबर 16 × 15 कितना हो जाएगा, तो 15 जी का 90 और 150 150 प्लस 90 कितना, 240 रुपये आ रहा है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। बोलो भैया बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है जी। हाँ कैलकुलेशन बड़ी है शंकर जी, देखो इसको 1% तो आपने निकाल लिया, 16 आ जाएगा, तो साधारण ब्याज तो 5% के हिसाब से 3 साल का क्या हो जाएगा, 15%, तो 16 × 15 कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 240 के साधारण ब्याज। अब देखो कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ आसान तरीका, मेरी बात को समझना, बहुत ठंडे दिमाग से मैं जो जो बोलता जाऊँ बस सुनते जाओ, मैं एक नया मेथड बता रहा हूँ, 5% का फ्रैक्शन बनाओ 1/20, 5% का फ्रैक्शन क्या बनेगा बेटा, 1/20, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, अब देखना 1/20, तो 20 के ऊपर लगेगा 1 रुपये का ब्याज, है ना, ऐसा कुछ। समय क्या है, 3 वर्ष, तो आप क्या करोगे, आप इसका डिनोमिनेटर का क्यूब करोगे, तो 8000 रुपये आप क्या मान लो, आप प्रिंसिपल मान लो, 8000 रुपये डिनोमिनेटर का क्यूब करके क्या आएगा, प्रिंसिपल, ठीक है जी, डिनोमिनेटर का क्यूब करके क्या आएगा, प्रिंसिपल, परसेंटेज का बनाएंगे आप फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का क्यूब करेंगे क्या आएगा, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल पे पहले साल तो सिर्फ मूलधन पे 5% का ब्याज, 5% 8000 का क्या होगा, 400 रुपये, पहला साल हो गया, पहले साल तो सिर्फ प्रिंसिपल पे लगता है, सभी बच्चे इस बात से सहमत होंगे कि सर पहले साल तो सिर्फ मूलधन पे लगता है, पर दूसरे साल मूलधन पे तो लगेगा ही 5%, पर ये जो पिछले साल का ब्याज है इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा 20 रुपये, इसका 5%, 400 का 5%। अब 5% निकालना मतलब आप उसमें सीधा सीधा 1/20 गुणा करते जाओ, देखो 8000 में 1/20 गुणा करोगे तो 400 आ जाएगा, 1/20 गुणा करोगे 400 आ जाएगा, 1/20 गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि CI जो होता है ना, पहले साल तो सिर्फ बेटा प्रिंसिपल पे ही लगता है, पहले साल तो किस पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे डायरेक्ट, पर दूसरे साल मूलधन पे तो लगेगा, ब्याज पर भी लगेगा, पिछले साल का ब्याज पर भी तो ब्याज लगता है ना CI में, अभी तो 2 साल हुए, अब बारी आती तीसरे साल की, तीसरे साल मूलधन पे लगेगा, मतलब जितनी भी वैल्यूज है, देखो एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, और एक ये, 4 वैल्यूज हैं मेरे पास, चारों वैल्यू पे लगेगा, मूलधन पे लग गया, इस पे लगेगा 20 रुपये, इस पे लगेगा 1 रुपये, इस पे लगेगा 20 रुपये, ये हो गया, और ये सारा का सारा जो है ये मिलाकर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारा का सारा मिला के, ये पूरा का पूरा मिला के क्या, चक्रवृद्धि। तो आप कहोगे सर ये तो टोटल हो रहा है 400 400 412
1260 और 61, 1261 रेशो बराबर 252.2, तो 1 रेशो सीधा सीधा क्या आएगा, 0.2 आ जाएगा। देखो दो बार में कट रहा है, डायरेक्ट मौखिक दिख रहा है कि ये दो बार में कटेगा, पर एक डेसिमल लगेगा, है ना। तो 1 रेशो, अब ऐसा ही क्या है जो सीधा सीधा मूलधन पे लग रहा है, वो ऐसा ही है जो सीधा प्रिंसिपल पे लगता है, वो ऐसा ही। तो 400 400 400, ऐसा ही कितना है 1200 रेशो, तो 1200 × 0.2 क्या हो गया 240, बात खत्म हो गई। ये समझ में आया कि नहीं, इसमें कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, ये लॉजिक है बहुत तगड़ा वाला। अगर लॉजिक समझ में आ गया हो तो बात बन जाएगी। अब कहो तो मैं इसे दोबारा समझा देता हूँ, इसमें कैलकुलेशन क्या कम होता है बेटा, कमेंट करके बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल शंकर जी, रिपीट करते हैं मेरी बात को बहुत ठंडे दिमाग से, दोबारा समझना सभी लोग। 5% फ्रैक्शन 1/20, समय 3 साल है तो आप कर दो क्यूब, तो क्या हो जाएगा 8000। ये प्रिंसिपल पे लगेगा ब्याज। पहले आप बस 1/20 मल्टीप्लाई करते हो, अब जैसे ही 1/20 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 400, पहले साल ब्याज लग गया, पहले साल सिर्फ 400 रुपए ब्याज लगेगा, है ना। दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही, प्लस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। और ब्याज कैसे निकालोगे, 1/5% निकालना है, 5% मतलब आप 1/20 गुणा कर दो ना यार, 400 में 1/20 गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 20 रुपए। दूसरे साल जो है प्रिंसिपल पे लगेगा और ब्याज पे लगेगा। तीसरे साल प्रिंसिपल पे भी लगेगा, ब्याज पर भी लगेगा, इस ब्याज पर भी लगेगा और इस ब्याज पर भी लगेगा, हर एक वैल्यू पे लगता है यार। सीआई तो जितनी पीछे आप इस पॉइंट पे खड़े होके, आपको पीछे जितनी वैल्यू दिखेंगी आप सब पे 1/20 गुणा करो। आप कहोगे सर 8000 भी दिख रहा है, तो मैं कहूंगा कर दो 1/20 गुणा, 400 रुपये लगेगा इस पे। आप कहोगे सर 400 भी तो दिख रहा है, 1/20 गुणा कर दो, ये 20 रुपये भी दिख गया आपको, 1/20 गुणा कर दो और ये 400 भी तो बच गया। तो टोटल आप कहोगे कि सर ये मूलधन के बाद ये सारे का सारा क्या है, ब्याज है, ये सारे का सारा क्या है ब्याज। तो ये ब्याज हो रहा है कितना, अभी टोटल अपन ने किया था 1261 रेशो, ये 252.2 के बराबर दिया है। तो 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा 0.2। तो साधारण ब्याज क्या है 400 400 और ये 400, साधारण ब्याज क्या हो गया टोटल 1200। तो 1200 रेशो के लिए आप 1200 में गुणा करोगे तो 240 हो जाएगा, ठीक है जी। बच्चे बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा 2 साल का भी मैं आपको बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चंस में 2 साल वाले में क्या करते हैं। देखो मैं 2 साल का समझाऊंगा तो फिर आपको 3 साल का और बेहतर समझ में आएगा। मैं यहां पे एक और वाइट स्क्रीन ले लेता हूं बेटा, कि प्रिंसिपल जो है, जैसे आपसे कहा जाए कि 10% है, समय 2 साल है, तो बेटा 10% का फ्रैक्शन क्या बनता है, तो आप कहोगे सर 1/10, तो इसका क्या करोगे स्क्वायर, तब जाकर आपको मूलधन पता पड़ेगा, 10 का स्क्वायर 100। तो पहले साल प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा, दूसरे साल प्रिंसिपल पे भी लगेगा, ब्याज पे भी लगेगा। तो ये बन गया, ये 2 साल का ट्री बन गया, 2 साल का ट्री बन के तैयार हो गया। पर 3 साल की बात है और 10% ही है, ब्याज कितना है 10% ही है अगर, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 3 जो है समय है, तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 1000 हो जाएगा। तो 1/10 होता है 100, 1/10 होता है 100, 1/10, अच्छा देखो पहले साल लगता है सिर्फ प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल, दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो लगेगा, ब्याज पर भी लगेगा 10 रुपए, 100 का 10%, तीसरे साल प्रिंसिपल पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा, सारी वैल्यूज पे लगेगा। तो ये 3 साल का चार्ट बन के तैयार। ये पूरा का पूरा नीचे वाला डिब्बा है सीआई, ये है प्रिंसिपल, सबको जोड़ दोगे तो आ जाएगा अमाउंट, ये ऊपर वाली लाइन है एसआई, ऊपर वाली लाइन क्या होती है एसआई, ऐसा कुछ है, है ना। इसकी मैं और थोड़ी आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछ लो बेटा।
ठीक है जी। चलो तो फिर अपन मिलते हैं भाई कल, कल रात को 8 बजे अपन मुलाकात करेंगे कंपाउंड, कल नहीं सॉरी मंडे को, कल तो संडे है, मंडे को अपन 8 बजे अपन कंटिन्यू करेंगे। चलो बहुत बढ़िया अंसारी जी, बहुत बढ़िया, मंडे को 8 बजे से अपन कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी विद्यार्थियों का।